दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी पर जा रहे हैं और हमको कॉल आया है कि एक घर के अंदर जो है काफ़ी बड़े सांप को देखा गया है और लोगों का कहना है कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी मोटा है और लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। तो स्पॉट पे जाने के बाद हमको पता चलेगा कि वो कौन सा सांप है कौन सा नहीं। तो जाने के बाद हम लोग देखते हैं। घर किसका है? घर किसका है उधर से? सर एक काम कर, आज मतलब एक जन जाओ इसको भागने मत दे बस। अगर तेरे मगर वोट कर गोता तो पीछे चलो जरा। तो देखा इस तरह यहाँ पे अभी हमने स्नेक को रेस्क्यू किया है सर ने, हमने और हमारे साथ हमारे जो सर मित्र है, सर आप भी एक मिनट आइए बीच में, ये हमारे संस्था के सभासद ये भी श्री बामने सर जी। तो हम लोगों ने इसको सही सलामत रेस्क्यू किया है यहाँ से और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी तुरंत नेचर में इसको हम लोग अभी ऑफिस से रिलीज कर देंगे। कट कर दो। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह से हमने जो है धामन सांप को जो पकड़ा जो घर में से, काफ़ी बड़ी साइज़ थी उसकी और लोग उसके साइज़ को देख के जो घबरा जाते हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि धामन सांप के बारे में कुछ लोगों की जो गलत धारणा है कि उसकी पूंछ में जहर होता है, तो उसकी पूंछ में कोई जहर नहीं होता और कोई धामन सांप जो है पूंछ से किसी को मारता नहीं, ना कोई धामन सांप किसी का दूध पीता है, ना इंसान का दूध पीता है, ना किसी औरत का दूध पीता है। जिस तरह की कुछ लोगों ने मेरे को फ़ोन किया था यूपी से कि प्रेग्नेंट औरत के वो पैरों को लपेट कर उसका दूध पी जाता है, तो ऐसे वहाँ पे एक माहौल बना था। तो ये सब कहने सुनने की बातें, सब बकवासबाजी है। तो इस अंधविश्वास को छोड़ो और जो है आँखों पर जो अंधविश्वास की जो पट्टी है उसको खोलो और जो हकीकत है उससे रूबरू हो जाओ सामने। हर बार आपको मैं बताता हूँ वीडियो में, तो हमने जो कल जो रेस्क्यू किया था जो रैट स्नेक, तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने जो रेस्क्यू किया था रैट स्नेक, तो इसको अभी हम लोग रिलीज़ करने के लिए आए और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी, आप देखो। इसको हम बाहर निकाल के अभी सही सलामत छोड़ेंगे नेचर में। उसको भी पता चल चुका है। तो आपने ये देखा कि काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी, देखिए। और इसको अभी पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप देख सकते हो इसको, काफ़ी बड़ी साइज़ है इसकी। और ये इसकी जो पूंछ है, इसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं होता और ये किसी को कोई पूंछ मारती नहीं है। हाँ, जब ये बड़ी साइज़ है, जब इसको कोई रेस्क्यू करता है, स्नेक जो कोई रेस्क्यू करता है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को पकड़ लेती है ऐसे, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं करती। इसके पूंछ में कोई जहर नहीं है और किसी का ये दूध नहीं पीता ये सांप, ये ध्यान में रखो। रैट स्नेक कॉमन है और इसको हम लोगों ने सही सलामत जो है इसको रेस्क्यू किया था। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी साइज़ और घबरा रहा है ये सांप। तो अभी इसको हम लोग सही सलामत नेचर में छोड़ेंगे। ये थोड़ी सी अभी गड़बड़ कर रहा है क्योंकि इसको पता चल चुका है अभी। तो आपके सामने मैं इसको अभी रिलीज़ करता हूँ, देखिए। तो इससे चौंकना रहना है क्योंकि ये कभी भी हमला कर सकता है, ये मुँह पे नाक पे कहीं भी पकड़ सकता है। अभी ये अपनी गर्दन को फुला रहा है, आप देख सकते हो कि ये बाइट लेने की पोजिशन पर है अभी। नज़दीक से दिखाई, एक बार इसके चेहरे को नज़दीक से आप देख लो। इसके चेहरे के पास आपको हमेशा ऐसे लाइनिंग्स दिखाई देगी,
धामन रैट स्नेक काफी बड़ी साइज है, एक बार पूरा दिखा दे। और इसको हम लोग सही सलामत अभी रिलीज कर रहे हैं, तो मैं अभी इसको रिलीज कर रहा हूँ यहाँ पे, आराम से लेना। तो आप देखो इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो ये देखो अभी ये अंदर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, अब इसको मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये चले गया, ये देखिए ये इसको छोड़ दिया, ये अंदर चले गया, ये निकल गया। तो बस ये हम जितने भी सर्प मित्र सर्प रक्षक है, हमारा यही काम है कि बेजुबान जानवरों को सही सलामत पकड़ते हैं और उसको उसके नेचर में हम लोग छोड़ देते हैं। और लोगों के पास एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अंधविश्वास में ना पड़े। कोई सांप जो है दूध नहीं पीता, फिर से बता देता हूँ, कोई सांप दूध नहीं पीता, कोई सांप बदला नहीं लेता, कोई सांप किसी को पूंछ से नहीं मारता, किसी सांप में जो है जहर नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और अंधविश्वास से दूर रहिए। और आपको एक आखिरी में और एक बात बताता हूँ कि कल मैंने एक सपेरे के पास से जो है एक ऐसे सांप को उसके पास से जब्त किया है, बरामद किया है, जो सांप को लेकर घूम रहा था, लोगों को अंधविश्वास से पागल बनाकर उसके पास से लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। और वो जो सांप है उसके बारे में एक ऐसी गलत फहमी है कि वो करोड़ों में बिकता है। तो वो कौन सा सांप है वो आप मेरी आखिरी वीडियो में देखेंगे, और वो पूरी की पूरी वीडियो जो है आप ज़रूर देखिए, और पूरी वीडियो को देखिए और उस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, वीडियो को लाइक करो या मत करो, ये बात की बात है, लेकिन जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, जो अगली मेरी वीडियो आने वाली है धामन सांप के बाद, ये सांप के बाद जो अगली मेरी वीडियो आएगी, तो उस सांप के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ हैं कि ये करोड़ों में बिकता है और इससे पैसे की बारिश होती है। ऐसे बकवासबाजी जो है अंधविश्वास, इसके बारे में मैं आपके वीडियो में जो मैंने पूरा डिटेल दिया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में उसको वायरल कीजिए और उसको पूरा अच्छी तरह से लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के ऊपर जो अंधविश्वास की जो आँख पर जो पट्टी बंधी है वो खुल जाए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम फिर से कोई सांप की जानकारी के साथ। तब तक के लिए फिर एक बार हर बार की तरह जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।